स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपकी खुद की चैनल पे। दोस्तों पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबाएं और पास में रहा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऑल, वो भी जरूर दबाएं ताकि सब वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा पहुँचे। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार 5 काम ऐसे रहते हैं जो करने से आपकी आयु हो सकती है कम, है ना दोस्तों। रोचक वीडियो पर वीडियो पूरा देखिएगा और अपनी कमेंट में जरूर लिखिएगा वीडियो आपको कैसी सुना है। ऐसा 5 काम होता है जो आप करते हो हर रोज तो आपकी आयु धीरे धीरे कम होती जाती है। और दोस्तों आपको एक बार और भी बताएंगे कि अगर आपको गरुड़ पुराण से रिलेटेड और भी वीडियो देखने हो, आपको ये वीडियो पसंद आते हो गरुड़ पुराण से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। दोस्तों ऐसी चीज नंबर 1 है दोस्तों सूरज चढ़ने पर उठना। दोस्तों कई लोग सूर्यवंशी होते हैं जो सुबह में जब तक सिर के ऊपर सूरज नहीं चढ़ता तब तक वो उठ नहीं पाते, यानी कि वो देर तक सोते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों की आयु कम हो जाती है, क्यों? तो दोस्तों देर से उठने पर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो सकती है, आपका पाचन तंत्र भी बिगड़ सकता है और ये सब बिगड़ने पर धीरे धीरे आपको बहुत सारी बीमारियाँ होगी और अंततः आपकी उम्र भी कम हो जाएगी। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध वायु आपको मिलती है। दोस्तों अगर आप देर से उठेंगे तो उसका सेवन भी आप नहीं कर पाएंगे और आपको बीमारी की संभावना और भी बढ़ जाएगी और जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपकी आयु बहुत कम हो सकती है। दोस्तों तो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें और अलग अलग वायु रोग संबंधित बीमारियों से दूर रह सकते हैं आपको, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब तक जो हो गया पर आगे से आप जल्दी उठेंगे। और कौन कौन आपके दोस्त ऐसे हैं जो देर तक सोते रहते हैं उनका नाम कमेंट में जरूर लिखें, हम सब कमेंट पढ़ते हैं और हर कमेंट का जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। दोस्तों दूसरी ऐसी बात जो गरुड़ पुराण में दिखाई गई है वो लिखा गया है कि दही रात को लेना नहीं चाहिए। दोस्तों दही रात को खाने से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। वैसे तो दही काफ़ी फायदेमंद है हमारे लिए, पर वो दिन को खाना चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए। आयुर्वेद में भी ये जो दही होता है वो खाने के बहुत सारे फायदे दिखाए गए हैं पर उसके नियम भी हैं। दोस्तों अगर आप रात को दही खाएंगे तो आपका अपचा हो जाएगा और पेट संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी और जब आपको पेट संबंधित रोग होगा तब आपको पोषण नहीं मिलेगा, आपकी उम्र भी कम हो सकती है। दोस्तों तो एक वादा करें हमसे कि दही खाएं पर रात को बिल्कुल नहीं खाएंगे। दोस्तों तीसरी ऐसी बात बताई गई है गरुड़ पुराण में कि दिन में मैथुन करना। दोस्तों मैथुन करना अच्छी बात है पर जो सुबह सुबह में मैथुन करता है तो उनकी आयु कम हो सकती है और अत्यधिक मैथुन करने से भी आपकी आयु कम हो सकती है। दोस्तों सुबह का वक्त होता है योग प्राणायाम कसरत नित्यादि करने के लिए, ये टाइम में अगर आप मैथुन करेंगे तो आपका शरीर कमजोर हो सकता है और रोगों से लड़ने की शक्ति भी कम हो सकती है, इसलिए मैथुन सुबह सुबह ना करें तो ही अच्छा है, अत्यधिक मैथुन भी शरीर के लिए नुकसानकारक है। दोस्तों चौथी ऐसी बात बताई गई है गरुड़ पुराण के अनुसार कि वासी खाने का सेवन। दोस्तों ना चाहिए क्योंकि बासी होने पर खाना सूख जाता है, उसमें वायरस और बैक्टीरिया पनपते हैं, ये खाने से आपके पेट में वायरस और बैक्टीरिया जा सकते हैं जो बहुत सारी बीमारियां आपको लगा सकते हैं। बीमारियां लगने के बाद आपकी आयु अंततः कम तो हो ही जाएगी, आप खुद भी सोच सकते हैं। पांचवी ऐसी बात जो गरुड़ पुराण में बताई गई है वो है श्मशान का धुआं। दोस्तों जब हम किसी का अवसान होने पर श्मशान में उसकी बॉडी जलाते हैं तब उसमें से बहुत ही हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस निकलते हैं, उसमें से कुछ तो अग्नि में नष्ट हो जाते हैं पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो वायुमंडल में घुल जाते हैं। अगर आप श्वास लेंगे तो ये वायुमंडल के दौरान आपके शरीर में जा सकते हैं, आपके शरीर पर चिपक सकते हैं जो अंततः आपको रोगी बनाएंगे और अंततः आपकी आयु भी कम करा देंगे। इसलिए कहा गया है कि श्मशान से आने के बाद रास्ते में आप नहा के आइए, या तो कोई नदी में नहाइए और नदी से लौटने के बाद जब आप घर पहुंचते हैं तो अच्छी तरह से स्नान जरूर करिए, ये आपको रोगी नहीं बनाएगा और आपको स्वस्थ रखेगा, तो ये आदत भी जरूर अपनाइए। दोस्तों इसके बाद आपको और भी गरुड़ पुराण में से रिलेटेड वीडियो देखने हो तो कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट जरूर कीजिए। अगर ऐसे वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करना चाहे तो नीचे रहा शेयर का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपना भी ध्यान रखें और हमारे चैनल को यूं ही देखते रहिए, आपका यूं ही प्यार हमारे साथ बना रहे। हम काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, बस आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी है। जय श्री राम और ओम नमः शिवाय। दोस्तों गुड बाय।